दोस्तों जय हिंद। शायद बताते हुए आपको यह बात बहुत दुख हो रहा है कि हमारे समाज के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिस तरीके से हो सक रहा है उस तरीके से हमारे समाज के इतिहास को दूसरा कारण देने या नाम बदलने या अन्य तरीके का काम करने में माहिरता लोग को हासिल होती जा रही है। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड में दक्ष प्रजापति नाम का बहुत ही भव्य विशाल प्राचीन मंदिर था, जिसका नाम वहाँ की सरकार कहा जाए, जो कि प्रजापति विरोधी सरकार कहा जा सकता है, जो उन मंदिरों को दक्ष प्रजापति मंदिर को दक्षेश्वर मंदिर नाम ने बदला जा रहा है, जिसका यह कहे तो यह भी कारण हो सकता है कि हम लोग पुरजोर उसका सड़क पर आकर विरोध नहीं कर रहे हैं, और यह सरकार अपनी मनमानी करती जा रही है। लगातार प्रजापति समाज के इतिहास को मिटाया जा रहा है, कि प्रजापति समाज अपने इतिहास के बारे में न जान सके, न पढ़ सके, न सुन सके, जिससे कि तमाम ये इस तरीके के प्रोपगेंडा सरकार के द्वारा चलाया भी जा रहा है। तो इस बात का हमें पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए साथी, और जो भी वहाँ के लोग हैं उनको सड़कों पर उतर कर, समाज के लोगों को सड़कों पर उतर कर उन पार्टी की सरकारों पर दबाव डालना चाहिए, जो जिस भी पार्टी की सरकार यह कर रही है। जैसे कि आप कितना साक्ष्य दिखाई दे रहा है फोटो में कि इसका पहले दक्ष प्रजापति था हर तरीके से, अब इसको दक्षेश्वर मंदिर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे कि शिव शिव दक्षेश्वर मंदिर का एक शिव का मंदिर बताया जा रहा है, जो कि साथियों शिव और दक्ष अलग अलग हैं लोग, जो कि सबको पता है कि दक्ष जो है उस शिव जो है दक्ष के दामाद हैं। इन तरीके से बताया जा रहा है साथियों। हमें अपने समाज के इतिहास को और आगे ले जाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा, और हम इस पार्टी के जो संसार बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उनको बताना होगा कि दक्ष प्रजापति हमारे वंशज थे, दक्षेश्वर नाम बदलकर उन्होंने जो भी कार्य किया है बहुत ही घृणित कार्य किया है, और इसका प्रजापति समाज पूरी तरीका से विरोध करता है। जो भी वहाँ के हैं हर तरीके से, हर सोशल या अन्य तरीके से विरोध व्याप्त करें, और फिर से वही नाम जो पहले दक्ष प्रजापति मंदिर हुआ करता था। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय दक्ष वंशी, जय भाई।